subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Hi, looking for a residential property? You got to keep three things in mind. Location, location, location. We have all under one roof at 10 Marina Bay, Sector 10, Plot Number 10, Vashi. Why settle for less? Live life limitless. इंडियन बॉक्सरसाठी पहिल्यांदाच प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंटरनॅशनल बॉक्सिंग असोसिएशनचे टायटल चॅम्पियनशिपची संधी मरीन प्रो बॉक्सिंगच्यामुळे मिळत आहे. मरीन प्रो ऑर्गनायझर 6 ऑगस्ट रोजी 11:35 वाशी येथील जुगाव या ठिकाणी पार पडणार आहे. दोन चॅम्पियनशिप फाईट, त्यात एक इंटरकॉन्टिनेंटल चॅम्पियनशिप गोल्ड बेल्ट आणि दुसरी एशियन चॅम्पियनशिप अमेरिकन बेस्ट हे बेल्ट देण्यात येणार आहे. जो स्पर्धक बाजी मारणार त्यांना ते बेल्ट दिले जाणार. यामध्ये टोटल 6 राऊंड होणार आहेत. पहिले रेग्युलर फाईट, 4 राऊंडची 3 मिनिटाचा 1 राऊंड होईल. 12 बॉक्सर फाईट करणार आहेत. या स्पर्धेत सगळ्या भागातून स्पर्धक सहभाग हा घेणार आहेत. मरीन सेटलचे ओनर कॅप्टन पार्थदास व मरीन प्रो बॉक्सिंगचे देवराज दास यांनी याबद्दलची अधिक माहिती दिली. बॉक्सिंग जो होने वाली है, इसमें कितने बाउट्स रहेंगे? तो देखिए, ये टोटल 6 फाइट्स हैं यहाँ पे, और 6 फाइट्स में से प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो बाउट्स हैं, इसमें से पहली बार इंडिया में दिस इज द फर्स्ट टाइम जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA, जो कि बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया में आ रहे हैं और उसके टाइटल फाइट्स होने वाले. हमारे पहली बार इतिहास में इंडियन बॉक्सर्स लोग ये टाइटल के लिए फाइट करने वाले हैं. दैट इज़ IBA इंटरकॉन्टिनेंटल और IBA एशियन टाइटल जो बॉक्सर्स है हमारे इंडिया ने. सो इट्स अ वेरी बिग थिंग जो नई मुंबई वाशी इस जगह में हो रहा है, मरीन सेंटर क्लब में. और आई थिंक विद आर यूनिक जो हम लोग जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं ओवर द स्विमिंग पूल रिंग एंड एवरीथिंग, ये एक अलग ही हाईलाइट करने वाले शो को पूरा. सर, कौन कौन से बॉक्सर्स रहेंगे? सो देखिए, हमारे इंडियन बॉक्सर्स जो है, जो मिजोरम से है, नुतलाई लाल बियाकिमा, जो बहुत ही बड़े एमेच्योर बॉक्सिंग में करियर किया था. उन्होंने 2018 में हसन बॉय दिस्मतोव, जो कजाकिस्तान का वर्ल्ड नंबर वन बॉक्सर था, उनको हराया था. तो काफ़ी सुर्खियों में थे ऑल ओवर द वर्ल्ड मीडिया. सो आप बोल सकते हैं विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम, अमित पंगल के बाद इनका नाम भी एमेच्योर बॉक्सिंग में आता था. अब वो प्रोफेशनल बॉक्सर हो गए, तो इनका एक टाइटल फाइट है. और जो दूसरे है विमल पुनेरा उत्तराखंड से, जो हाल ही में अभी मुंबई में रह रहे हैं यहाँ पे लास्ट 3 साल से, और फिलीपींस में और US न्यूजीलैंड में ट्रेनिंग किया, उनका एशियन टाइटल है. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग बाउट्स होने वाले हैं. सर, क्या किसी खास उपस्थिति ऐसा? सो देखिए, ये हम लोग मोस्टली प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, प्रोफेशनल बॉक्सिंग को. नई मुंबई में एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे जो युवा है, जो उन लोग मोर स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइंड है. हमारे फॉलोइंग जो है, जो मरीन प्रो बॉक्सिंग प्रमोशंस का जो सोशल मीडिया और जो वेबसाइट में जितने भी हमारे यूट्यूब में फॉलोअर्स है, वो ऑल ओवर इंडिया से है. एंड हम लोग एक उनको भी एक न्यूज़ फैला है कि न्यू बॉम्बे इज बिकम द हब फॉर बॉक्सिंग. जैसे वेगस कैसा, लास वेगस जो UFC बॉक्सिंग के लिए जाना चाहता है US में, वैसे ही हम लोग मुंबई में, नई मुंबई को एक हब बनाना चाहते हैं फॉर स्पोर्ट्स. और आगे आके अगर कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट मिले तो वो हम लोग उसके लिए भी वी आर मोस्ट वेलकम विद दैट. सर, फ्राइडे को प्रोग्राम है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सो यस, इट इज़ अ वेरी एक्साइटेड थिंग. ड्यू टू कोविड हम लोग मोस्टली क्लोज डोर इवेंट कर रहे हैं, पब्लिक एक्सेस नहीं है, बट इसके वीडियोज और सब कुछ आवाज़ में लोग देख पाएंगे अगले दिन, द वेरी नेक्स्ट डे. एंड आई थिंक जो भी फाइट्स है और हाईलाइट्स है, सब कुछ शेयर करेंगे. एंड वी हैव सम बहुत बड़े कुछ डेलीगेट्स आने वाले यहाँ पे, जो हम लोग डेफिनेटली शेयर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद आवाज. तो फ्राइडे को बॉक्सिंग होने वाले मरीन सेंटर में, पहले से भी आप बड़े उत्साह के साथ करते आ रहे हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर रखते हैं, इस बार क्या कुछ खास रहेगा? जो फ्राइडे को मैच होने वाला है बॉक्सिंग का, कितने बॉक्सर्स रहेंगे, कितना बाउट होगा? अच्छा, इस बार जो हो रहा है, नॉर्मल रेगुलर बॉक्सिंग्स तो हम लोग करते ही हैं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग. अभी मेरी तरफ से, दैट इज आई रिप्रेजेंट प्रोफेशनल बॉक्सिंग कमीशन, आई एम द प्रेसिडेंट, तो मेरी तरफ से सैंक्शन किया गया है 2 चैंपियनशिप फाइट का. एक जो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप गोल्ड बेल्ट, और दूसरा है एशियन चैंपियनशिप. बेल्ट आ चुका है, द बेल्ट हैज कम फ्रॉम अमेरिका, और द ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, दिस इज अमेरिकन बेस्ड है. ये बेल्ट उनको दिया जाएगा जो विनर्स होंगे. अभी टोटल 6 फाइट होगी इसमें. पहले जो है रेगुलर फाइट्स होगा, 4-4 राउंड का, 3 मिनट का 1 राउंड, 4 राउंड होगा. और जो चैंपियनशिप के लिए होगा वो होगा 8 राउंड, 8
प्लस 8 राउंड होगा दोनों चैंपियनशिप के लिए, उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। हम लोग का जो प्लान किया है दैट इज प्रोफेशनल बॉक्सिंग कमीशन, वी हैव ऑथोराइज्ड दिस मेरिन प्रो बॉक्सिंग। मेरिन प्रो बॉक्सिंग इज लुक्ड आफ्टर बाय देवराज एंड ही प्लान्स टू मेक एवरी मंथ वन टूर्नामेंट। अभी जैसे ओलंपिक्स है, ओलंपिक के लिए लोग 4-4 साल इंतजार करता है, ये उनको 4 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारा प्रमोशंस जो है हर महीने में उसको क्वालिफाइंग राउंड्स रहेगा और हमारे जितने सब रिकॉर्ड्स है वो इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स में जाता है, ताकि कोई भी ऑनलाइन चेक कर सकता है कि कौन जीता कौन हारा, कौन सा बॉक्सर का क्या रिकॉर्ड है, यही है। और हमारे साथ हम लोग बहुत खुशनसीब है कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है दैट इज गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी, उनका फुल सपोर्ट है हमारे साथ। अभी बता नहीं सकता हूँ बट मोस्ट प्रोबेबली वो भी खुद शाबाशी देने के लिए ज़रूर आ सकते हैं, और उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। और उत्तराखंड के एक बॉक्सर हैं विमल पुनेरा, तो वो भी है, अगर इसमें से चैम्पियनशिप हो गया तो फिर उनका भी स्टेट साइड से काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, उनको फैसिलिटीज मिलेगा। तो हमारा मेरिन प्रो बॉक्सिंग जो चलाते हैं और हमारा प्रोफेशनल बॉक्सिंग कमीशन का मेन जो टारगेट है कि हम लोग इंडियंस को आगे प्रमोट करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, क्यों ये पहली बार है जो इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग इतना आगे बढ़ चुका है। अभी जब से हम लोगों ने शुरू किया है तब से ऑलमोस्ट 200 बाउट्स हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे सब मेरिन सेंटर में हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि मेरिन प्रो बॉक्सिंग का रिंग भी थोड़ा यूनिक है, ये वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, ये स्विमिंग पूल के ऊपर है तो सबको अच्छा व्यू मिल जाता है। अभी चलते हैं, अभी शुक्रवार यानी कि 6 अगस्त को हमारा जो बाउट्स है हम लोग 11:45 से शुरू करने वाले हैं। सर कितने मुक्केबाज आने वाले हैं, कहां कहां से आने वाले हैं? टोटल 12 मुक्केबाज है, ऑल ओवर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह से आ रहे हैं। तो हमारे एक एस है जो नुतलाई बोल के है, नॉर्थ ईस्ट का है, मिजोरम का, तो वो काफी धासु बॉक्सर है, वो आ रहे हैं। वी लेट्स सी होप वी आवर साइड विंस ऑलवेज और हम लोग इंडियंस को आगे प्रमोट कर सके। IBA मध्ये कोण बाजी मारणार हे बघणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट समीर खानसह प्रिया जुरांचा रिपोर्ट, नवी मुंबई। सबस्क्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल बझिंग न्यूज।